वेलकम टू माय चैनल आरपी की तकनीकी खेती। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार किसान भाइयों, आरपी की तकनीकी खेती में आपका स्वागत है। आज हम चुकंदर की खेती के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि चुकंदर की खेती आप कैसे कर सकते हैं, इसकी बुआई आप कब करेंगे, इसमें कितना खाद देना है और इसकी सिंचाई कब करना है और कितनी सिंचाई करना है और साथ ही साथ इसमें कितना खाद देना है, इसमें कौन से कीड़े लगते हैं और कौन सी दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं, यानी कि चुकंदर की खेती में संपूर्ण जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं चुकंदर की खेती से संबंधित जानकारी। चुकंदर एक ऐसा फल है जिसका सेवन सब्जी के रूप में पकाकर या बिना पकाए ऐसे भी किया जा सकता है। चुकंदर को मीठी सब्जी भी कह सकते हैं क्योंकि इसका स्वाद खाने में हल्का मीठा होता है। इसके फल जमीन के अंदर पाए जाते हैं तथा चुकंदर के पत्तों को भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर में सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं और डॉक्टर भी खून की कमी, अपच, कब्ज और एनीमिया, कैंसर, हृदय रोग जैसे विकारों को दूर करने के लिए चुकंदर का सेवन करने की सलाह देते हैं। चुकंदर को सलाद, जूस और सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। चुकंदर की बहुत अधिक मांग होती है जिस वजह से किसान भाई चुकंदर की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, चुकंदर की खेती कैसे होती है इसके बारे में जानकारी के बाद ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर की उन्नत किस्म कौन सी है इसे जानकर आप अच्छी पैदावार भी पाएंगे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं कि चुकंदर की खेती कैसे होती है। अब चुकंदर की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है, चुकंदर की खेती को करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती को जलभराव वाली भूमि में नहीं करना चाहिए। जलभराव की स्थिति में फल सड़न जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। चुकंदर की खेती में जो मिट्टी है उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अब चुकंदर के लिए कौन सी जलवायु और कितना तापमान होना चाहिए, तो चुकंदर की खेती के लिए ठंडे प्रदेशों में इसको आसानी से उगाया जा सकता है और सर्दियों का मौसम इसके पौधों के विकास के लिए काफ़ी अच्छा हो माना जाता है। चुकंदर की फसल की अधिक बारिश की आवश्यकता नहीं होती है जिससे अधिक वर्षा इसकी पैदावार को प्रभावित कर सकती है। चुकंदर के पौधों को अंकुरित होने के लिए सामान्य तापमान की ज़रूरत होती है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब चुकंदर की खेती के लिए आप तैयारी कैसे करेंगे, चुकंदर की फसल को करने से पहले उसके खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छे से गहरी जुताई कर देना चाहिए। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए जिससे खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाए क्योंकि चुकंदर के पौधे भूमि की सतह पर रहकर विकास करते हैं, जिस वजह से इसकी जड़ें अधिक गहराई में खनिज पदार्थों को ग्रहण नहीं कर पाती। इसके लिए चुकंदर के खेत को तैयार करते वक्त अच्छे से उर्वरक की मात्रा को देना चाहिए और जुते हुए खेत में पुरानी गोबर की खाद को डालकर कल्टीवेटर के साथ 2-3 तिरछी जुताई कर खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला दें और खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगाकर पलेवा कर देना चाहिए। इसके बाद खेत को 4 से 5 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब रोटावेटर के माध्यम से इसकी जुताई कर दें। इसके बाद खेत में फिर पाटा लगाकर जुताई कर दें जिससे भूमि समतल हो जाएगी और जल भराव जैसी समस्या नहीं होगी। खेत को तैयार करने के बाद उसमें चुकंदर के पौधों को लगाने के लिए मेड़ को तैयार कर लेना चाहिए।
चुकंदर के खेत में रासायनिक उर्वरक के लिए नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम पोटाश की मात्रा को एक हेक्टेयर के हिसाब से आखिरी जुताई के समय छिड़काव कर देना चाहिए। अब चुकंदर की कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं इसको जान लेते हैं। इसमें सबसे अच्छी वैरायटी है MSH 102। इस किस्म के पौधों को तैयार होने में 3 महीने का समय लगता है। यह चुकंदर की बहुत अधिक पैदावार देने वाली किस्म है जो एक हेक्टेयर में लगभग 250 कुंटल का उत्पादन करती है। और दूसरी वैरायटी है क्रिम्सन ग्लोब किस्म और तीसरी वैरायटी है अर्ली वंडर, रोमन स्काया, डार्क रेड। ये मुख्य वैरायटियां हैं। और चुकंदर के बीजों की रोपाई का समय कौन सा सही है और कौन सा तरीका उसके लिए अपनाना चाहिए। चुकंदर के बीजों को रोपाई करने के लिए ठंडी जलवायु उचित मानी जाती है। इसके लिए इसके बीजों की रोपाई को अक्टूबर और नवंबर के माह में करना चाहिए। बीजों की रोपाई में चुकंदर के उन्नत किस्म के बीजों को खरीदना चाहिए तथा बीजों की रोपाई करने से पहले उन्हें उपचारित कर लेना चाहिए जिससे पौधों में लगने वाले रोगों का खतरा कम से कम हो। एक हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 8 किलोग्राम बीज की मात्रा की आवश्यकता होती है। चुकंदर के बीजों की रोपाई को समतल और मेड़ दोनों ही सतह की भूमि में किया जा सकता है। समतल भूमि में रोपाई के लिए खेत में उचित दूरी रखते हुए क्यारियों को तैयार कर लेना चाहिए। इस क्यारियों में 1 फीट की दूरी रखते हुए पंक्तियों में बीज की बुआई की जाती है और प्रत्येक पंक्ति के बीच में 1 फीट की दूरी और प्रत्येक बीज को 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी में लगाना चाहिए। किसान भाइयों जान लेते हैं कि इसमें सिंचाई कितना देना है। चुकंदर के पौधों को अच्छे से अंकुरित होने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए बीजों की रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर देना चाहिए और बीज अंकुरण के बाद पानी की मात्रा को कम कर देना चाहिए। चुकंदर के पौधों को जल भराव की स्थिति से बचाने के लिए 10 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। अब चुकंदर में कौन कौन से खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रित कैसे आप कर सकते हैं। तो चुकंदर के पौधों में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक और प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप रासायनिक तरीके से खरपतवार पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेंडीमेथिलीन की उचित मात्रा का छिड़काव बीज रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए। इसके बाद खेत में खरपतवार कम मात्रा में दिखाई देते हैं। यदि आप खेत में खरपतवार नियंत्रण प्राकृतिक तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीज रोपण के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए और इसके बाद समय समय पर खेत में खरपतवार दिखाई देने पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। चुकंदर के पौधों में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम कैसे करेंगे। चुकंदर के पौधों में बहुत ही कम रोग देखने को मिलते हैं, किंतु कुछ रोग ऐसे हैं जो इसके पौधों को प्रभावित करते हैं। एक रोग लगता है लीफ स्पॉट रोग। इस लीफ स्पॉट रोग का प्रभाव पौधों की पत्तियों पर देखने को मिलता है। इस रोग के लग जाने से शुरू में पत्तियों पर भूरे कोड़ी धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस रोग का प्रभाव बढ़ जाने पर पत्तियां सूख कर गिरने लगती हैं। यह रोग फलों को वृद्धि को प्रभावित करता है जिससे पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। चुकंदर के पौधों पर एग्रीमाइसिन की उचित मात्रा का छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। रोग चुकंदर के पौधों पर अधिक आक्रमण करता है और कीट का लार्वा पौधों की पत्तियों को खाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं और रोग का आक्रमण बढ़ जाने पर पैदावार कम हो जाती है। इसके लिए मेलाथियन या इंडोसल्फान का उचित मात्रा में छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। अब चुकंदर की पौधों की आप खुदाई कैसे करेंगे।
तो इसको जान लेते हैं। चुकंदर के पौधे 3 से 4 महीने में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके फल पक जाने पर पौधों की पत्तियां पीले रंग की दिखाई देती हैं। उस समय इसके फलों की खुदाई कर लेनी चाहिए। फलों की खुदाई से पहले खेत में थोड़ा पानी लगा देना चाहिए, जिससे फलों को जमीन से निकालते समय आसानी हो। फलों की खुदाई कर उन्हें अच्छे से धोकर मिट्टी साफ कर लेनी चाहिए। इसके बाद उन्हें में छायादार स्थान पर अच्छे से सुखा कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। चुकंदर के पौधे अलग अलग किस्मों के आधार पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 150 से 300 क्विंटल की पैदावार देते हैं। चुकंदर की बाजारी भाव किस्म और फल के हिसाब से 20 से 50 रुपये के मध्य होता है। किसान भाई 1 हेक्टेयर के खेत में चुकंदर की फसल कर 2 से 3 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।